सबसे पहले उनकी क्या समस्या हुई थी? इनको आज 2018 में कमर में दर्द हुआ, एक रात में बहुत ज्यादा हुआ, उसके बाद कैसे भी रात में बिताया और उसके बाद सुबह ले गए डॉक्टर के पास, बगल में दर्द गलता हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने कहा इनको सर्जन को जो करे न्यूरो सर्जन को दिखाइए। मैं उनके पास ले गया, कार्तिक शर्मा है न्यूरो सर्जन, उनके पास जाने के बाद उन्होंने MRI लिखा। MRI में इनको जो हुआ तो MRI में जो है इनको बोन TV मिला। बोन TV को मैंने इनको 2 साल दवा कराया, वो पूरी तरह ठीक हो गया। फिर MRI कराया तो उसमें पूरी तरह ठीक हो गया। एक 1.5-2 साल ये पूरी तरह ठीक थी। 2 साल बाद जो है इनको ये कमर से लेकर पैर में जो है बहुत अचानक दर्द था। उसमें भी मैं यहाँ होम्योपैथी को दिखाया, 5-6 महीने वहां दवा थे, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं मिला था। उसमें वही दवा खाती थी, आराम था, फिर उसे हो जाता। लेकिन जब तक आप दवा खाते हैं तो आपको आराम नहीं करता, जैसे तुरंत उसके बाद अभी मैंने जो है जून तक कैसे चला, 3-4 साल ऐसे चला, 2-2.5 साल ऐसे चला। उसके बाद BHU गए, वहाँ जो है डॉक्टर ने दिखाया, उन्होंने एक्सरे कराया मेरा, इनका घुटनों का एक्सरे किया तो उन्होंने बोला घुटने इनकी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उसमें ग्रीस जो है पूरी खत्म हो गई है। ऑपरेशन का यही रास्ता है, दवा ऐसी होगा इसका ऑपरेशन करवाया। हम लोगों ने वहाँ चलाया, 10 दिन की दवा लेके चले आए कि नहीं। तो यहाँ कैसे जानकारी मिली? यहाँ भी HDFC बैंक जो है मैनेजर मनीष जी, उन्होंने हमारे पास फोन किया कि आप एक बार यहाँ आके मेरे घर से दिखा दीजिए। उसके बाद मैंने आया यहाँ 1 जून को मैं यहाँ। अच्छा, आज आप 1 जून को आए थे? 1 जून को मैं यहाँ आया, बड़े सर से यहाँ डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने देखा। जब आप यहाँ आए थे तो आपको समस्या क्या समस्या हो रही थी? उस टाइम इनको पूरा घुटने में दर्द था, इनको पकड़ के ले चलना पड़ता था और कमर में जाए तो शरीर मतलब पूरी तरह से कहने का मतलब काबू नहीं था, बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, नहीं चलने बहुत दिक्कत है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है आप यहाँ जो है पहले आप 15 दिन इनको भर्ती करिए, 15 दिन इनको चला दीजिए। अभी उस टाइम हम लोग भर्ती के लिए नहीं आए थे तो मैंने 1 हफ्ते दवा लेकर घर चला गया। 1 हफ्ते बाद मैंने 8 तारीख को आके यहाँ भर्ती हुआ इनको लेकर। तो जब आप भर्ती होने के बाद दवा खाए तो आपको कितने दिन में आराम मिलने लगा? मुझे 3रे दिन से आराम इनको मिलना पूरी तरह से, मतलब जैसे एकदम कुछ है ही नहीं था, 3रे दिन 4रे दिन आराम होता ही। लेकिन ये भोजन करने में तो बहुत परेशान होती थी कि हमें ये सब्जी नहीं अच्छी लग रही है, परवल नहीं अच्छा लग रहा है, इस समय कितना आराम होगा? कम से कम 70% आराम है। अभी यहाँ से पूरा सीढ़ी तक कहाँ जाती मैदान में आती है, तो क्या आप आयुष प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आयुष प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है आयुष प्रोग्राम में, मतलब यहाँ जितने वर्कर से लेके डॉक्टर से जितने सब लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, या पंचकर्मा हो या डॉक्टर साहब हो, यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं टोटल बहुत ज्यादा मतलब केयर करते हैं। वो सबसे अच्छा भी है कि जो उनके साथ रह रहा है उसका भी केयर है, खाने के लिए सब चीज़ कहीं चटके